हेलो जी, दिस इज मी हाइकर हिमांशु एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज हैनोवर, जहाँ पे मेरा दिल बसता है क्योंकि लाइफ के 3 साल मैंने यहाँ पे बिताए हैं और उसके बदले में शहर ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है। अब वैसे जर्मनी में आपने म्यूनिक, बर्लिन, हैमबर्ग जैसे बड़े बड़े शहर का तो टूर किया होगा, बट हैनोवर शायद ही कभी घुमा हो। तो क्यों ना आज आप और मैं दोनों मिलकर इस ब्यूटीफुल से शहर को एक्सप्लोर करें। तो सभी कॉमन यूरोपियन सिटीज जैसे यहाँ भी आपको ओपेरा हाउस एंड सिटी सेंटर तो देखने को मिल ही जाएगा, बट हैनोवर सिटी हैज़ मोर टू विजिट। अब जैसे हो गया यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस या फिर यहाँ की मैनमेड लेक, दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड वही दिखाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। और वैसे हैनोवर इज़ वेरी स्मॉल सिटी, जो बाई वॉक भी आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर इफ़ यू नीड एनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो यू कैन यूज एनी बस और ट्रैम और हेयर, जो आपको पूरा शहर घुमा देगी, या फिर आप चाहो तो मेरे जैसे ये ई रिक्शा भी यूज कर सकते हो। क्या बोला तूने? और वैसे ट्रांसपोर्टेशन के सारे ऑप्शन है यहाँ पे, बट यदि खुद की बाइक हो तो और भी अच्छा, या फिर ऐसे स्कूटर है जो ये आप रेंट कर सकते हैं। आई थिंक इसका चार्ज होगा 1 यूरो वन टाइम, देन उसके बाद में 19 सेंट पर किलोमीटर के लगते हैं। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, देन मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, मतलब मेरा 360 कैमरा है उसको बैग में फिट करके कोई शॉट लेने की ट्राई कर रहा हूँ। आई थिंक अच्छे से आए, मैं करता हूँ ट्राई। या फिर आप मेरे जैसे एक्सप्लोरर इंसान हो जिसे ना कोई गाइड चाहिए ना कोई ट्रांसपोर्टेशन, तो सीधा जाओ टूरिस्ट इन्फो सेंटर और वहाँ से रेड लाइन करो फॉलो, क्योंकि यही लाइन आपको लीड करने वाली है सारे टूरिस्टिक अट्रैक्शन पॉइंट पर। तो ना आपको किसी गाइड की जरूरत पड़ने वाली है ना किसी ट्रांसपोर्टेशन की। या फिर सभी कॉमन यूरोपियन सिटीज जैसे आप भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं सिटी सेंटर से, तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम हियर एंड यहाँ पर यू विल सी दिस क्लॉक टावर, और यही हुआ करता है हमारा मीटअप पॉइंट। और यदि आप भी हैनोवर में नए हैं और किसी लोकल से मिलने वाले हैं तो डेफिनेटली वो आपको यही क्लॉक टावर पर बुलाने वाला है या फिर बुलाने वाली है। और हैनोवर का सिटी सेंटर एक्सप्लोर करने के बाद यू कैन वॉक टूवर्ड्स ओपेरा हाउस, और यहाँ से 5 मिनट की वॉक करने के बाद यू विल सी दिस ब्यूटीफुल एंशियंट बिल्डिंग एंड दिस बिल्डिंग इज ओपेरा हाउस। और अभी जो मेरे पीछे जगह वो यहाँ का ओपेरा हाउस, एंड यहाँ पर जो भी म्यूजिक फेस्टिवल या थिएटर वगैरह शो वगैरह होते हैं वो यहीं पर होते हैं, एंड आई थिंक ये शायद जुलाई से दिसंबर तक चालू रहता है, बाकी विंटर टाइम में ये बंद ही रहता है। और इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ की काफ़ी पॉपुलर चर्च है, वो वर्ल्ड वॉर में क्रैश हो गई थी, मतलब वर्ल्ड वॉर में इसको तबाह किया था, तो वो मैं दिखाता हूँ, तो पहले उधर चलता हूँ। और ओपेरा हाउस पर वक्त गुजारने के बाद यू कैन वॉक टूवर्ड्स एगी क्रिश्चे, और क्रिश्चे के जर्मन में बोलते हैं चर्च। तो अभी जो मेरे पीछे चर्च है इसका नाम है एगी चर्च, एंड इसकी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था उसमें पूरी डिस्ट्रॉय हुई थी, एंड उसके बाद में इसको संभाल कर रखा है, एंड इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है। मतलब कुछ थोड़ा टाइम वगैरह दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं एक बार चल के दिखाता हूँ, यहाँ पर ओपन हुआ तो चलो। वैसे इन्फॉर्मेशन देने में बहुत बुरा इंसान हूँ, बट मैंने जितना यहाँ का पढ़ा है कि ये काफ़ी पुरानी चर्च थी, एंड जो वर्ल्ड वॉर था इसमें इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट उसके बाद भी इसको संभाल कर रखे हैं। एंड यहाँ पे जो वाइट लाइन है इसका कुछ ना कुछ मतलब लिंक का टाइम वगैरह कुछ दिखाती है, बट अभी मुझे नहीं पता, मैं एक बार घर जाके गूगल करूँगा देन। एंड इस जगह के बाद में जो मेरा लास्ट फेवरेट स्पॉट है वो है माक्शे लेक, तो मैं उधर जाऊँगा एंड वहीं जाके मेरा वीडियो एंड करता हूँ। खैर, यहाँ पहुँच कर यू विल फील लिटिल बिट सैड, बट इसके बाद में यू कैन वॉक टूवर्ड्स द न्यू टाउन हॉल। तो अभी जो मेरे पीछे काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है वो यहाँ का न्यू टाउन हॉल, एंड वैसे जर्मन में इसे राट हाउस बोलते हैं, एंड यहाँ पे जो भी ऑफिशियल मीटिंग से जो मेयर बैठते हैं वो इसी बिल्डिंग में बैठते हैं, एंड अपने जो नरेंद्र मोदी जी आए थे वो भी यहीं रुके थे, और आई थिंक इसे बनाया गया था 19वीं सदी में। और वैसे नॉर्मल डेज में आप इसके अंदर जा सकते हैं, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब मैप टाइप में है, मतलब 3D मॉडल है जिसमें पुराना हैनोवर दिख जाएगा, मतलब कैसा दिखता था 200 साल 300 साल पहले, बट अभी कोरोना की वजह से यहाँ पे सब कुछ लॉक है। अब इसके पीछे काफ़ी अच्छी लेक है, उसे बोलते हैं माक्शे लेक, और वहाँ पे मेरा मतलब फेवरेट स्पॉट है, तो अभी मैं उधर ही जाऊँगा, तो चलो उसी साइड मिलते हैं फिर। और राट हाउस पर वक्त गुजारने के बाद यू कैन वॉक टूवर्ड्स माई फेवरेट प्लेस, जहाँ पर मैंने काफ़ी घंटों गुजारे हैं और काफ़ी वक्त मैंने अपने साथ बिताया, एंड दिस प्लेस इज़ माई फेवरेट प्लेस इन हैनोवर, जहाँ पर मैं शायद कितना भी वक्त गुजार सकता हूँ। तो यहाँ पर बैठ कर यू कैन एन्जॉय द व्यू एंड काफ़ी अच्छा लगने वाला है यहाँ पे।
तो जैसे मैं टाउन हॉल के पीछे की बात बता रहा था, तो यदि मैं इधर घूमता हूँ तो ये यहाँ पे लेक है एंड काफ़ी अच्छे सीन है इधर से, बट अभी हमें यहाँ नहीं रुकना है क्योंकि पूरा सिटी दिखाना है एंड सर्दी तगड़ी वाली, आज मेरे हाथ जम रहे पूरे, तो मैं यहाँ से भागता हूँ अभी और जाता हूँ मीनाक्षी लेक पे। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है पूरा हैनोवर में एंड ये है मीनाक्षी लेक। जब भी मुझे कुछ मतलब फोटोग्राफी करनी हो या खुद के लिए चिल मारना या खुद से चिल मारना हो तो यहीं आके टाइम पास करता हूँ। एंड आई थिंक इस लेक को बनाए थे शायद 19th century में एंड यहाँ पे इसका एक ही पर्पज़ था वैसे तो पूरा पानी स्टोर करना, क्योंकि जो लाइन रिवर है उसी का पानी आता है यहाँ पे। तो बस यही था मेरा जो लास्ट एंड फेवरेट प्लेस हैनोवर का, एंड इफ़ यू आर कमिंग टू हैनोवर तो ये जगह तो देखना बनता है। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ दिखी वैसे, मैं दिखाता हूँ, मुझे लगता था अपने इंडिया में ही ऐसा है बट यहाँ पे भी ऐसा भी दिखाता हूँ आपको कुछ। तो ये देखो यहाँ पे भी हेलमेट पहना गया मतलब। तो कुछ ऐसा था हैनोवर का सफर। और हाँ, यदि आप विंटर में आ रहे हो तो नेवर मिस द क्रिसमस मार्केट, फिर चाहे आप हैनोवर हो या यूरोप की कोई भी सिटी, यदि आपने विंटर में यहाँ का क्रिसमस मार्केट नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। और फिर भी कुछ क्रिसमस मार्केट के नज़ारे इस वीडियो में मैं जरूर दिखा देता हूँ आपको।